नथ कृष्णा और गोरी की कहानी। कृष्णा चली गई जीत के जिंदगी से, अब गोरी और जीत अपने बच्चे शिव के साथ बेहद खुश है। गोरी तो यही चाहती थी कि हमारा एक छोटा सा परिवार हो और जीत हमारा हो। 6 साल बाद बहुत कुछ बदल गया। कृष्णा पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। कृष्णा की बेटी बिल्कुल कृष्णा की तरह ही है, जो काम एक बार अपने हाथ में लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। इधर 6 साल में गोरी का बेटा भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत शरारत करता है, जिसे देखकर जीत और गोरी काफ़ी खुश होते हैं। दोनों अपने बेटे शिव के साथ खेलते हैं और गोरी शिव को खेलकूद प्रतियोगिता में भेजना चाहती है। जीत मना करता है, लेकिन गोरी शिव की खुशी के लिए जीत को मनाती है। जीत भी अपने बेटे का उत्साह बढ़ाता है। तभी जीत तैयार होता है, उसका पर्स गिर जाता है। कृष्णा की फोटो देखकर भावुक हो जाता है। कृष्णा को याद करने लगता है, सोचता है ऐसा लग रहा है कि तुम अभी हमारे बीच में हो, हमारे साथ हो। गोरी देख लेती है, फिर जीत को कृष्णा की यादों से दूर ले जाने की कोशिश करती है। इधर कृष्णा जेल में अपना मिशन पूरा करती है, एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए चाल चलती है, जेल से भागने का नाटक करती है। तभी दूसरी कैदी भी कहती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, और हाँ मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, बाहर जाने के बाद मैं तुम्हें काम भी दिला दूंगी। कृष्णा नाटक करती है, हाँ मुझे काम की जरूरत है, मुझे काम दिला देना। कृष्णा सबके साथ भागती है। तभी सायरन बज जाती है, कृष्णा अलग हो जाती है। बाकी कैदी अपने साथी के साथ भागने लगते हैं। फिर कृष्णा आगे से आकर रोकती है। तभी पुलिस आ जाती है, कहती है, थैंक यू कृष्णा मैडम, आपने बड़ी बहादुरी से खतरनाक मुजरिम को पकड़ा। फिर कृष्णा का जोरदार स्वागत होता है। पुलिस कमिश्नर कृष्णा को कहते हैं, 5 साल बाद भी तुम्हारी दिलेरी और काबिलियत में कोई कमी नहीं आई। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर पे गर्व है। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसी होनहार ऑफिसर की जरूरत है। कृष्णा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को याद करके पुरानी बातें ताजा करने लगती है। फिर जब घर जाती है तो अपनी बेटी के बारे में सोचती है, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी गोपिका का सवाल खत्म ही नहीं होगा, मुझसे पूछेगी आज क्या हुआ, कितने चोर पकड़े, दिन भर क्या हुआ, गोली चलाने का मौका मिला कि नहीं। तभी कृष्णा को गोपिका की आवाज़ सुनाई देती है, वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहादुर और होशियार है। वह भी एक चोर पकड़ती है, उसे अपनी माँ की तरह डांटती है। लोग समझाते हैं, गोपिका बेटी छोड़ दो, जाने दो, लेकिन गोपिका नहीं मानती। कहती है, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनती। तभी गोपिका की नज़र कृष्णा पे जाती है। वह अपनी माँ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगा। उसमें देखने को मिलेगा कैसे कृष्णा माँ बनी, कैसे कृष्णा पुलिस इंस्पेक्टर बनी, कितना मुश्किल झेली। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।